गल्ला व्यापारी बालकेश गुप्ता ने अपने साथियों के साथ अपने बगल के पाटीदार के साथ की गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दे डाली। थाना पीपीगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा लक्ष्मीपुर टोला नगवा क्षेत्र पीपीगंज ग्राम सभा लक्ष्मीपुर टोला नगवा गल्ला व्यापारी बालकेश गुप्ता थाना पीपीगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा लक्ष्मीपुर टोला नगवा गल्ला व्यापारी बालकेश गुप्ता रात के समय गाड़ी लोड करा रहे थे। बालकेश गुप्ता के लोड करने वाले मजदूर शोर शराबा और गाली गलौज करने लगे। तभी उसी के बगल में पाटीदार भोलेन्द्र गुप्ता का घर। उस समय भोलेन्द्र गुप्ता अपने घर में सो रहे थे। जब उन्होंने शोर शराबा गाली गलौज सुना तो घर से निकलकर मजदूरों को डांटा और समझाया, भाई तुम लोगों के पास परिवार नहीं है क्या? आप लोग गंदी गंदी गाली क्यों दे रहे हो? तभी बालकेश गुप्ता और उसके मजदूर दारू के नशे में धुत थे और बालकेश का पुत्र रविन्द्र और बालकेश के छोटे भाई रामभजन गुप्ता उनके पुत्र अजीत गुप्ता अपने मजदूरों के साथ भोलेन्द्र गुप्ता को गाली दी और जान से मारने की धमकी दे डाली और धक्का मुक्की करने लगे। शोर शराबा सुनकर भोलेन्द्र गुप्ता के परिवार बाहर आया और बीच बचाव करने लगे। तभी अचानक गल्ला व्यापारी बालकेश गुप्ता के पुत्रों ने इसमें अजीत और रविन्द्र दोनों ने विशाल गुप्ता को मारा और जान से मारने की धमकी दी। उस समय भोलेन्द्र गुप्ता ने डायल 112 नंबर पर कॉल किया और कहा कि यह सब बालकेश व्यापारी लाखों का गबन कर बाहर सप्लाई करता है और चोरी कर रहा है, उसकी जाँच सरकार को करनी चाहिए और GST का 50 लाख का चोरी कर रहा है। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। उद्घोष समय के लिए यूपी हेड AK मिश्रा की रिपोर्ट।